अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यंध सिंदुर्विदानम् सकल नय विलसितानाम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकांतम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह अद्भुत रचना श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों के जीवन को पवित्र करने के लिए, श्रावकों के जीवन को निर्मल बनाने के लिए मानो इस ग्रंथ की रचना हुई हो। हिंसा और अहिंसा का जैसा विवेचन यहाँ मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। कल हिंसा के लक्षण की चर्चा हुई थी। निश्चय नए से हिंसा आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति का नाम है। आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं वही हिंसा कहलाता है, और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा कहलाता है। माने हिंसा और अहिंसा का मूल संबंध आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि परिणामों से है। राग के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर दिया, उसमें मिथ्यात्व भी लगाना चाहिए, उसमें कषायें भी लगानी चाहिए, उसमें द्वेष भी लगाना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ सर्व प्रकार की विकृतियां जहां आत्मा में जन्म लेती है वहां हिंसा ने जन्म ले लिया ऐसा समझना चाहिए। माने हिंसा का संबंध राग से है, हिंसा का संबंध द्वेष से है, हिंसा का संबंध कषायों से है, हिंसा का संबंध आत्मा में उत्पन्न होने वाली विभाव परिणति से है, हिंसा का संबंध बाहर में प्राणियों के मरने या न मरने से नहीं है। ये कुछ अलग हटके बात कह रहे हैं। कोई जीव मरा के नहीं मरा इससे कोई संबंध नहीं है, प्राणियों प्राण वियोग हुआ के नहीं हुआ इससे कोई संबंध नहीं है। माने हिंसा का संबंध अंदर से है बाहर से नहीं है, ये कुछ विशेष बात यहाँ कही जा चुकी है और इसी प्रकरण को थोड़ा सा और विशेष ढंग से आगे बढ़ाने वाले हैं। पूरा प्रकरण हो गया और इस प्रकरण को जिनागम का सार कह दिया गया था। माने द्वादशांग का सार ये है, निचोड़ ये है कि रागादि उत्पन्न नहीं हो गए। निचोड़ ये है कि हे जीव प्रयत्न इस प्रकार से करो कि आत्मा में राग का अंश मात्र भी नहीं रहे। अणु मात्र भी रागादि का यदि सद्भाव रहेगा तो ये जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। समय सार ग्रंथ की 200 नंबर की गाथा है, 200 के 201 नंबर गाथा है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के हो सर्व आगम धर भले नहीं जानता निज आत्म को। सारे आगम को जानने वाला व्यक्ति भी, 11 अंग 9 पूर्व जानने वाला व्यक्ति भी यदि अणु मात्र भी राग के प्रति उसकी तन्मयता है, राग के प्रति यदि उसका लगाव है तो वो मुक्ति की प्राप्ति करने वाला नहीं है, वो संसार मार्गी है। माने राग इतना खतरनाक है,
जितने झगड़े हैं सब राग के पीछे हैं, जितनी लड़ाइयां हैं सब राग के पीछे हैं, जितने मनमुटाव हैं सब राग के पीछे हैं। अरे जिनसे हमें राग नहीं है उनके कहने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिनसे हमारा विशेष राग होता है उनके द्वारा कही गई छोटी सी बात भी हमें चुभ जाती है, बुरी लग जाती है। ख्याल में आ रही है भाई बात? भूपेंद्र भाई भायानी क्या कह रहे हैं सब, बोलो क्या कह रहे हैं भाई सब? ये कह रहे हैं अपने को जिनके प्रति राग है ना, जिनके प्रति लगाव है, अब छोटी सी बात के लिए उन्होंने मना कर दिया, अब ये चुभ गई बात, समझ लो। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, रोड पर चलते समय गाड़ी से जा रहे थे और हाईवे पर आपकी गाड़ी खराब हो गई किसी जगह पर रास्ते में, और ऐसी मजबूरी में फंस गए कि आपको लिफ्ट मांगना पड़ गया। मजबूरी है, कहीं कोई साधन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल काम कर नहीं रहा है, और जो सर्विसेज जो चलती है सिटी में वो सारी सर्विसेज वहाँ अप्लाई नहीं है, लागू नहीं होती है। ऐसी जगह पर जंगल में किसी हाईवे पर किसी मोड़ पर आप फंस गए हैं और अब क्या करें, अब क्या करें, लिफ्ट मांगना पड़ेगा आपको, पूछना पड़ेगा किसी से, रास्ते में आने वाली किसी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, भाई साहब प्लीज हेल्प। कई गाड़ियां आई और कई निकल गई, कई आई और कई निकल गई, फिर और आई और निकल गई। मैं आपसे पूछता हूं आप कितने नाराज हैं, कितने परेशान हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने दूर से देखा किसी परिचित को आते हुए, बोलो अब आपके मन में बन गई उम्मीद, आपके मन में बन गई अपेक्षा, आपको लगा कि अरे यार चलो, और भाई और वो बगल में आया, आपके नजदीक तक आया और आकर के ऐसे जय जिनेन्द्र और सीधा चला गया, रुका नहीं। मैं आपसे पूछता हूं अब गुस्से की क्या पोजीशन होगी? अभी तक 20 गाड़ियां उसके पहले निकल चुकी है, एक ने भी नहीं रोका था, आपको कितनी तकलीफ हुई थी, कुछ भी नहीं। और अब क्या हुआ, अब वो परिचित था ना, जहां परिचय होता है, जहां अपनापन होता है, जहां लगाव होता है, जहां अपेक्षा होती है, जहां अपनापन दिखाई देता है, जहां राग का सद्भाव होता है, वो राग ही द्वेष में बदल जाता है, वो अपनापन ही नाराजगी में बदल जाता है। अरे पड़ोसियों के बच्चों को कोई डांटने नहीं जाता है क्या, अपने बच्चों को डांटते, समझ में आ रही है बात? कौन डांटता है पड़ोसी के बच्चों को? ये जो बात है, ये बात यदि बच्चों के समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए कि मुझसे अपनापन है इसलिए डांट रहे हैं। जिनसे अपनापन होता है उनके प्रति गुस्सा आता है, क्या गजब फॉर्मूला है देखो आप, इसका मतलब गुस्से के पीछे अपनापन है, नाराजगी के पीछे राग है, कषायों के पीछे राग छिपा हुआ है, हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं रागादि विभाव भाव छिपे हुए हैं। ये सब बातें कल अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में कर चुके थे, और आज देखिए जब रागादि का ये लक्षण बना दिया गया तो शिष्य ने एक प्रश्न उठाया, पेज नंबर 84 पर, अन्य ग्रंथों में कहा है, ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अन्य ग्रंथों में कहा है, रागादीना मनुपा अहिंसा गत्ते देसिदं समये देसिं चेदुपत्ति हिंसेति जिने हिने दिठं। उद्धृत की है ये गाथा कहीं और से, प्रश्न उठाया है इसमें, हिंसा का लक्षण पर जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना क्यों नहीं कहा? यार सीधा सी बात है, सारी दुनिया ये कह रही है हिंसा हो गई, कब कहेगा, कब कहेगा बतलाओ? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तभी कहेंगे ना, कोई मनुष्य मर गया तो हिंसा कह दी जाती है, अरे कोई त्रियंच की का प्राण वियोग हो तो भी हिंसा कह दी जाती है, अरे कभी कभी चूहा मर जाए तो भी हिंसा कह दी जाती है, आपसे यदि कोई चींटी मक्खी मच्छर मर जाए तो भी कोई कह सकता है हिंसा हो गई है। अरे हमने तो ऐसी तक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी है जिसमें वृक्ष काटे जा रहे थे रोड के दोनों तरफ से और हेडिंग लिखी हुई आई कत्लेआम, कत्लेआम, ऐसा हाईवे बनते समय
तो इसका मतलब कोई ना कोई मर रहा है, चाहे पेड़ कट रहे हो, चाहे विकलत्रय जीवों की हो रही हो, चाहे त्रियंचों की हो रही हो, चाहे मनुष्यों की हो रही हो, जब हिंसा होगी, जब किसी का प्राण वियोग होगा तो हिंसा कहलाएगी। भाई साहब अब प्राणी वियोग नहीं हुआ, तुम कह रहे हो जबरदस्ती। हमने कहा भैया ये हिंसा हिंसक है, तो आप पूछेंगे किसकी हत्या की है, प्रश्न खड़ा होता है। हमने कहा ये हत्यारा है, आप प्रश्न खड़ा करेंगे इसने किसकी हत्या की है, प्रश्न उठता है इस तरह। तो कितना सुंदर यहां प्रश्न उठा दिया, हिंसा का लक्षण बनाओ। लक्षण माने पहचान का चिन्ह, हिंसा किसे कहें उसकी पहचान का चिन्ह बनाओ। तो वो पहचान का चिन्ह शिष्य कहना चाह रहा है, जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना ये क्यों नहीं कहते हो, जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना इसे हिंसा का लक्षण कहो। पर जीव के, किसी दूसरे जीव के, पर शब्द दिया यहां। हिंसा का लक्षण क्या बनाया, पर जीव के प्राणों का हरण, पर जीव के प्राणों का पीड़न, ये क्यों नहीं लक्षण बनाया। तो पता है जवाब क्या दिया, क्योंकि इस लक्षण में अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष लगते हैं। यदि ऐसा लक्षण बना दिया जाए दूसरे के प्राणों के हरण करने का नाम हिंसा, तो इसमें अति व्याप्ति भी होगा और इसमें अव्याप्ति भी होगा। आप जानते हैं भैया अति व्याप्ति क्या होता है, अति व्याप्ति क्या चीज होता है बोलो, अव्याप्ति क्या होता है, पहले अति व्याप्ति बतलाओ। अति व्याप्ति लक्षण में दोष है, लक्षण में, लक्षण माने पहचान का चिन्ह, रिवाइज हो रही है बात, कम से कम महीने भर पहले पढ़ी होगी अपन ने, एक महीने पहले पढ़ी थी बात लगभग। जिस वस्तु का लक्षण बनाया गया है उस वस्तु में तो हो, इसके अलावा में भी पाई जावे, उसका नाम है अति व्याप्ति दोष है वो। अव्याप्ति क्या होता है, अव्याप्ति माने जिसका लक्षण बनाया जा रहा है ये वस्तु है, इस जाति की वस्तुएं हैं, और उनमें कुछ में ही, कुछ अंशों में ही पाया जाए, वो हाफ में पाया जाए, वो कहलाता है अव्याप्ति। देखो यहां सिद्ध कर रहे हैं, प्रथम अति व्याप्ति बतलाते हैं, फिर अव्याप्ति भी बतलाएंगे हम। 45 और 46 इन दोनों श्लोकों की चर्चा करेंगे आपके बीच में, क्या वहां प्रथम ही अति व्याप्ति दोष बतलाते हैं। अरे इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, जैन दर्शन की अहिंसा का प्रकरण है भाई साहब, ये जैन दर्शन कितना बारीकी में जाकर के बात करता है, प्राणी मरे ही नहीं, एक भी प्राणी नहीं मर रहा है, और हिंसा, और प्राणी मरे और फिर भी अहिंसा, ये क्या है भाई साहब, ये सिद्ध कर रहे हैं यहां पे, एक गजब का प्रकरण है ये जैन दर्शन की अहिंसा का। एक भी जीव नहीं मरा और उसके बावजूद भी, एक भी जीव नहीं मरा फिर भी हिंसा हो रही है, कोई नहीं मरा फिर भी हिंसा, और जीवों का मरण हो गया हमारे माध्यम से तो भी हिंसा नहीं है, तो भी हत्यारा नहीं है। यत्नाचार, यत्नाचारा, यत्नाचार का सवाल है, देखो अभी आएगी, पहले बात पढ़ते हैं यहां से। 45 नंबर का यह श्लोक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, वहां प्रथम ही अति व्याप्ति दोष बताते हैं। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश मंतरेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राण व्यपरोपणा देव। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, अपि माने और, युक्ताचरणस्य, युक्त आचरण, युक्त आचरणस्य योग्य आचरण करने वाले व्यक्ति, योग्य जिनका आचरण है, अरे शुद्ध सात्विक आचरण जिनका दिखाई देता है, शुद्ध जिनका जीवन दिखाई दे रहा है, बाहर में जिनकी सावधानियां दिखाई दे रही है, अरे नीचे देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, जिनके बाहरी जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की जा सकती है, हमारे महामुनिराज, बावलिंगी संत, त्यागी, व्रति, संयमी, प्रतिमाधारी, ऐसे जो लोग नीचे देख देख करके चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, बोलो रपरिया जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं योग्य आचरण करने वाले संत, संत पुरुष, संत माने होता है सज्जन,
सतह 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 माने संत। संत कौन होते हैं? स अंत। अरे स माने संसार और अंत से अंत। संत कौन है? जिनके संसार का अंत आ गया है वे संत कहलाते हैं। संत कौन है? जिनके संसार का अंत आ गया है वे संत कहलाते हैं। और संत पुरुष कहते हैं त्यागी व्रतियों को और गृहस्थों को भी। सज्जन कहते हैं, संत माने सज्जन पुरुष। क्या साधु? साधु पुरुष कहलाते हैं। साधु माने कौन होता है? साधु माने भी सज्जन होता है। सज्जन माने कौन है? सत जन, सत स्वरूप आत्मा की जिन लोगों को खबर है वो है सत जन। सत का आश्रय जिन्होंने लिया है वे कहलाते हैं सत जन। सत का आश्रय लेवे तो सत जन कहलावे, और सत की खबर न होवे वे काई के सज्जन। बतलाओ। अरे साहब बहुत सज्जन पुरुष है भाई साहब, बहुत सज्जन व्यक्ति है। क्या बतलाऊं आपको? आत्मा की खबर है क्या? आत्मानुभवी है क्या? सम्यक दृष्टि है क्या? कि नहीं। जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है वे सज्जन नहीं है, जिन्हें सत की खबर नहीं है वे कैसे सज्जन हो सकते हैं भाई साहब? क्या सत की खबर वालों को सज्जन कहते हैं? देखिए, योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भावों के बिना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, रागादि भावों के बिना, राग नहीं है, रागादि भाव नहीं है, विभाव भाव नहीं है, कषाय भाव नहीं। अब रागादि भावों में वो ये सब लगाना जो पीछे 44वीं गाथा की व्याख्या करते हुए कहे गए थे, राग द्वेष काम क्रोध हिंसा झूठ सब हाथ से सब लिए थे ना सारे, उन सारे परिणामों को लगा लेना यहाँ पे। रागादि भावों के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। सिर्फ प्राण पीड़न हो गए, पीड़न हो गए हैं उससे हिंसा नहीं हो रही है। राग नहीं है अंदर में, वीतरागता है अंदर में। वीतरागी संत हैं, देख करके चलते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं। जो सावधानी पूर्वक चलते हैं, ईर्ष्या समिति से चलते हैं, उनके द्वारा किसी प्राणी का घात भी हो जावे तो भी उनके हिंसा नहीं मानी गई है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे, टीका पढ़ते हैं नीचे। अपि युक्ताचरणस्य सतः रागाद्या वेश मंत्रेण प्राणव्यप्रोपणात् एव जातु हिंसा नहीं भवति। निश्चय से जिनका आचरण योग्य है, प्रयत्न पूर्वक है, यत्नाचार पूर्वक है, सावधानी पूर्वक है, विवेक पूर्वक है, आंखें खुली रख करके चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे हैं। अरे नीचे देख करके चलने के गुणों की तो खूब चर्चा की है, वो छंद आपने सुना होगा, तीर्थ क्षेत्रों पर लिखा रहता है। कौन सा बेटा? नीचा झांकिया गुण गणा जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं पड़ी वस्तु मिल जाए। क्या नीचे देख करके चलने से कई प्रकार के गुण हैं? क्या ठोकर भी लागे नहीं और जीव जंतु बच जाए? एक तो जीव जंतु बच गए, ठोकर नहीं लगी, और फिर तो वो तो पड़ी वस्तु तो अपन चोरी के अंतर्गत लेते हैं, हिंसा तो नहीं हुई ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय से जिनका आचरण योग्य प्रयत्न पूर्वक है ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना, अंदर में राग का प्रवेश नहीं हुआ उनके अंदर में, रागादि भावों का प्रवेश नहीं है, तो रागादि भावों के प्रवेश के बिना केवल केवल ओनली राग नहीं है अंदर में, राग नहीं है, और केवल परजीव के प्राण पीड़न करने मात्र से कदाचित हिंसा नहीं होती। अंदर में मिथ्यात्व नहीं है, अंदर में कषाय नहीं है, अरे भाई कुल मिलाकर के बात यह है, राग नहीं है का मतलब इंटेंशन नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, प्राण पीड़न कर लेने मात्र से भी, मैं आपसे कह रहा हूं प्राण पीड़न का मतलब समझ गए आप? प्राण हरण और प्राण पीड़न दो शब्द लगाना। प्राण हरण में तो मौत हो गई, और प्राण पीड़न में बार बार कर रहा है, चिल्ला रहा है व्यक्ति। मैं कहता हूं ऑपरेशन करते समय और विशेषकर दांतों का इलाज करते समय
दांत का इलाज करते समय अब पूरा बेहोश तो किया नहीं है तुम्हें, अब तुम्हारी आंखें खुली हुई है, यहां भले ही शून्य करने का इंजेक्शन लगा दिया, अब वो प्लास पकड़ करके और वो दांत को निकाल रहा है, खींच रहा है, अब बोलो और ये चिल्ला रहा है, अरे क्या हो रहा है, रो रहा है। तो कुछ भी कर तू, ये प्राण पीड़न कर देने के बावजूद भी डॉक्टर को हिंसा का पाप नहीं लग रहा, बोलो। टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा स्टूडेंट्स को हाथ आगे करके पीटने पर भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा, बोलो। अध्यापक है, माता पिता के द्वारा बच्चों को समझाने पर, डांटने पर, उन्हें कष्ट होने पर भी, अत्यंत कष्ट हो रहा है उसको, उसके बावजूद भी उसे डांट लगाई जा रही है, तो भी माता पिता को हिंसा का दोष नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सुधारने का प्रयोजन है, समझाने का प्रयोजन है। यदि वे नहीं डांटेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं डांटेंगे तो गलत रास्ते पर चले जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, 6 महीने का 8 महीने का साल 2 साल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो बच्चा चप्पल उठा करके खा रहा है, अब उसको बार बार में डांटें के नहीं डांटें, बोलो आपको क्या कहना है? और वो नहीं माने तो खींच के एक बार पिटाई भी लगाएं कि नहीं लगाएं उसकी, जिससे वो समझ जाए कि ये काम करने योग्य नहीं है, करें कि नहीं करें? और हमारे द्वारा ऐसा किया जाने पर उसके प्राण पीड़न हो रहे हैं, उसे वेदना हो रही है, और हम बेचारे को तकलीफ होगी। अध्यापक ये सोचता रहे, नहीं नहीं बेचारे को तकलीफ होगी, तो क्या करें बोलो? मजिस्ट्रेट के माध्यम से किसी को फांसी की सजा सुना दिया जाने पर भी उसे हिंसा का दोष नहीं। मैं सारे लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, कितने उदाहरण दे दिए मैंने आपको, कहां हिंसा नहीं, क्योंकि अंदर में रागादि भाव नहीं है। यदि वो मजिस्ट्रेट किसी प्रभाव में आकर के गलत व्यक्ति को फांसी की सजा सुनावे, तब तो वो अपराधी है, हिंसा का पात्र है, हिंसा लगेगी उसे, हिंसा का पाप लगेगा। लेकिन यदि वो मजिस्ट्रेट किसी तरह का कोई राग नहीं है, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, उसके प्रति अपनापन भी नहीं है, उसके प्रति दुश्मनी भी नहीं है, उसके प्रति नाराजगी का भाव भी नहीं है, सीधा यदि वो न्याय करता है और न्याय करते हुए उसे फांसी की सजा भी सुना देता है, तो पर प्राण हरण कर लेने के इल्जाम में वो मजिस्ट्रेट अपराधी नहीं कहलाता है। मजिस्ट्रेट अपराधी नहीं है, माता पिता अपराधी नहीं है, एक अध्यापक टीचर उसे हिंसा का पाप नहीं लगता है। ये सारी वे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के अंदर पर प्राण पीड़न की चर्चा नहीं की गई है, बोलो। हिंसा नहीं होती, लेकिन यदि प्राण पीड़न को ही हिंसा मान लिया जाएगा, ये लक्षण बना दिया जाएगा, तो हिंसा माननी पड़ेगी, अतिव्याप्ति हो जाएगा। पॉइंट समझा? यदि प्राण पीड़न को हिंसा मान लिया जाएगा तो इतनी तरह से तकलीफ खड़ी हो जाएगी। सोचिए जरा, पुलिस के द्वारा मारे जाने पर क्या? देखिए, मैं ये अभी जो घटना जो घटी है, ये किसकी घटी है? अभी दुबे है, उसके संबंध में नहीं कहना चाहता। दुनिया में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, क्या हो रहा है सारे दुनिया भर में, उस मैटर में मत उलझिए, लेकिन कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति ने इंटेंशन पूर्वक किसी की हत्या की और दूसरे व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था और गोली चल गई, तो मजिस्ट्रेट उसे बाइज्जत बरी कर देता है। ये लोक में भी कानून है। जब दुनिया के कानून में उसे सजा नहीं होती है, तो फिर हमारे अलौकिक पारलौकिक कानून में उसे सजा कैसे हो सकती है, कैसे सजा होगी? कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। सवाल इंटेंशन का है, मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता था? डिफेंस में गोली चल गई, क्या होता है? पुलिस वाले लोग जो ऐसी घटनाएं घटते, क्या होता है बतला मेरे को? किसी का बलात्कार हो रहा है और छीना झपटी उससे की जा रही है, और उस महिला के द्वारा अपने वो क्या कहते हैं, होते हैं ना दुपट्टा, बचाव में, और वो दुपट्टे से सामने वाले को खींच करके मारा और वो उसके प्राण हरण हो गए, मर गया वो, बोलो फांसी की सजा होगी कि नहीं होगी? उस लड़की को उम्र कैद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा उसे। उसने अपने बचाव में उठाया है, वो मारना थोड़ी ना चाहती थी। कि ऐसी है भाई साहब स्थिति। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितना सुंदर प्रकरण है, ये जैन दर्शन का न्याय कितना व्यवस्थित न्याय है, क्या अत्यंत सुंदर न्याय कह रहे हैं यहाँ। ये न्याय व्यवस्था समझ में आ जानी चाहिए। प्रकृति में अन्याय नहीं है,
न्याय है, क्योंकि अंदर में राग नहीं था, क्योंकि अंदर में विभाव भाव नहीं था, उसके बावजूद विभाव भाव नहीं है और हो गई हिंसा, बोले फर्क नहीं पड़ता है, हो गया होगा कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए भावार्थ पढ़िए, महापुरुष ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है महापुरुष, अथवा गमनादि में सावधानी से यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन, जिसे चार हाथ जमीन देख करके चलना, जिसे ईरिया समिति व्यवहार से कहा जाता है, देह की क्रिया को विकल्प पूर्वक व्यवहार से और अंदर में आत्मा का अवलंबन, ईरिया समिति कहते हैं ना उसे, देख करके चलने रूप अवस्था को। तो ये कह रहे हैं ऐसी अवस्था होने पर यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं और कदाचित उनके शरीर के संबंध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई, प्राणों को पीड़ा पहुंच गई किसी जीव के, चल रहे हैं कोई जीव उड़ता हुआ आ गया, अचानक आ गया कॉकरोच दौड़ता हुआ आ गया, पैर के नीचे आ गया, मच्छर उड़ करके सीधा जहां पैर रख रहे थे वहीं आ गया, हो जाती है ऐसी स्थिति, तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है, कारण कि उनके परिणाम में कषाय भाव नहीं था, इसलिए परजीव के प्राणों को पीड़ा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। क्या है भाई साहब हिंसा की व्याख्या है? कहां मिलेगी आपको ऐसी व्याख्याएं बोलो? मर गया फिर भी हिंसा नहीं है, हाथ से मर जाए, हाथ से गोली चल जाए और मर जाए और फिर भी हिंसा नहीं है, बोलो सोचिए जरा आप कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। अतः अति व्याप्ति दोष लगता है, आगे चलें, अव्याप्ति दोष, ऐसी बहुत सारी गाथाएं मिलेगी आपको, समय सार के बंद अधिकार के अंदर इस तरह का प्रकरण है, प्रवचन सार के अंदर भी अपने चरणानुयोग सूचक चूलिका में कुछ प्रकरण इस तरह के आए हैं, 217 नंबर गाथा है प्रवचन सार में, अभी करूंगा मैं चर्चा, पहले एक बार थोड़ा सा आगे वाला विषय पढ़ लेते हैं अपन, मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन दूसरे ग्रंथों का प्रमाण देने में अपने मूल ग्रंथ की बात छूट जाए, तो पहले ये पढ़ते हैं फिर आपको सब प्रमाण दूंगा मैं, सारे प्रमाण है मेरे दिमाग में, ये जो है ना ये 6 इंच की खोपड़ी है इसमें सब है अंदर। देखो 46 नंबर का ये श्लोक है, अव्याप्ति दोष बतलाते हैं, व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तायां म्रियतां जीवो मावा दावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ रागादीनाम, अब बात पर बदल जाएगी, पीछे जो बात कही थी, अभी तक जो बात कही थी, पिछले श्लोक में जो बात कही है वो बात क्या थी भैया? पिछले श्लोक में ये बात ये थी कि अंदर में रागादी नहीं है और जीव मर गया, जीव मर गया, बोले हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। अब उल्टा करेंगे, एक भी जीव नहीं मारा मैंने, बताओ मैंने कौन से जीव को मारा? एक भी नहीं मारा, और आचार्य देव कह रहे हैं तू हिंसक है, तू हत्यारा है, तुझे पाप लगेगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये देखो जरा क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ रागादीनाम वश प्रवृत्तायाम, रागादि भावों के वश में प्रवर्तती हुई व्युत्थानावस्थायाम अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्था में जीव है म्रियताम, जीव मरे वा अथवा माम्रियताम न मरे, हिंसा हिंसा तो ध्रुवम निश्चय से अग्रे आगे ही धावती दौड़ती है। क्या क्या कह रहे भाई साहब? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अतिव्याप्ति कैसे हो गई पीछे पिछले श्लोक के अंदर, अतिव्याप्ति कैसे हो गई, अभी इसमें अव्याप्ति बतलाएंगे। हिंसा का लक्षण यदि प्राणों के हरण करने को मान लिया जाए तो जहां प्राण हरण होगा वहां हिंसा माननी पड़ेगी, जबकि वहां है नहीं, प्राण हरण हो जाने पर भी हिंसा है नहीं, लेकिन मान ली गई तो अति हो गया, ओवर हो गया ये,
इसलिए अति व्याप्ति नाम का दोष आता है। अब प्राणों के हरण करने को ही हिंसा माना जाए तो अव्याप्ति है, इसका मतलब इसके बिना भी हिंसा हो जाती है, एक भी जीव नहीं मरने पर भी, वो यहां इस श्लोक में बतला दिया है। रागादि भावों के वश में प्रवर्तती हुई आयतनाचार रूप प्रमाद अवस्था में जीव मरे अथवा ना मरे, हिंसा तो निश्चय से आगे ही दौड़ती है। क्या गाथाएं कौन सी? प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। कौन सी गाथा है? प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा है। बोलो अगले बंदाधिकार जैसी गाथा लगती है अपने को, लेकिन ये है प्रवचन सार में। प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, अयत्नाचार असावधानी, अयत्नाचार सावधान नहीं है, दौड़े जा रहा है। अरे दौड़े जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी ऐसा होता है ठोकर लगी है भाई साहब आपके कभी पैर में? बोलो जिनेश भाई, कभी ठोकर लगी है आपके पैर में? बोलो कुणाल जी, लगी है ना ठोकर? कभी कभी लग जाती है साहब, क्या बतलाएं। विनू भाई, होता है ना कभी ऐसा? होता है, ठोकर लग जाती है, ठोकर लग जाती है। सुनो, ठोकर लगने का मतलब जानते हो आप? मेरे जैसा मंद बुद्धि मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति सीधी सी बात कहता है, ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आपके पैर के नीचे चूहे जैसा बड़ा जीव भी आकर के मर जावे, नितिन भाई चूहा भी यदि पैर के नीचे आ जावे तो भी आपको पता नहीं लगे, इसका नाम है ठोकर। ठोकर क्या होता है बोलो? चिड़ी का बच्चा आ जाए ना, छोटा सा चिड़ी, चिड़िया होती है, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, छोटे छोटे छोटा सा हैं, और आपको पता नहीं है, तुम दौड़े जा रहे हो और तुम्हारे पैर के नीचे इतना सा छोटा सा बच्चा आ जाए, चूजा, क्या तुम्हें पता ही नहीं लगी? इसका नाम है ठोकर, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे को नहीं दिखाई दिया रोड पर, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे को नहीं दिखाई दिया, कभी रोड पर चलते चलते आपका पैर कीचड़ में भर जाता है क्या कभी? इसका मतलब ये है, इतने बड़े बड़े जीव यदि आपके पैरों के नीचे आ जाए तो भी आपको पता ही नहीं लग रहा है, आप दौड़े जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, आप अपनी क्रियाओं में मस्त हैं, कुछ होश नहीं है हमारे को, ये श्राव का चार सिखा रहे हैं। प्रमाद परिणति से हिंसा है, प्रमाद से हिंसा होती है भाई साहब, प्रमाद से, असावधानी से, अयत्नाचार में तो हिंसा ही हिंसा है। बताओ साहब कौन मर गया, किसको मार दिया मैंने, कौन सी चींटी मर गई यहाँ पे? अरे मरे चाहे नहीं मरे, तेरी तरफ से तो मरेड़ी है। क्या एक भी जीव नहीं मरा, तेरी तरफ से तो मरा हुआ ही है, तू क्या सोच रहा है? तूने तो सावधानी नहीं रखी ना। एक बच्चा यदि दिन भर नहीं पढ़ता है, मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ा उसने, और परीक्षा में उसके नंबर अच्छे आ गए, क्या तो ये कहता है बतलाओ क्या दिक्कत है, खूब टीवी देखना चाहिए, खूब टीवी देखने से खेलने से भी खूब नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो भाई तेरी तरफ तू तो फेल ही है, नंबर अच्छे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो ज्ञान था वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू तो तेरे तो हिंसा हो गई, तूने तो मार दिया अपनी तरफ से, क्योंकि तेरे हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव नहीं था, तेरे हृदय में उनके प्रति दया का भाव नहीं था। बंद अधिकार में भी इस तरह की अयत्नाचार यत्नाचार संबंधी गाथाएं हैं। मारो न मारो जीव को हो बंद अध्यवसान से तब बंद होता है नहीं, ये बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। इस तरह की 2-3-4 गाथाएं हैं इस तरह की बंद अधिकार के अंदर, प्रीतेश जी बता रहे हैं 252 नंबर है, बहुत तरह की है इस तरह की गाथाएं। मैं सुखी करता दुखी करता, हिंसा के संदर्भ में अहिंसा के संदर्भ में, निजायुग से मरण, इस तरह की चर्चाएं, कुल मिलाकर के मैटर वहां पर भी यही है जिग्नेश भाई, यही मैटर वहां भी कहा गया है बंद अधिकार में भी, लेकिन मूल देखना हो ना आप इसको, इसका भावानुवाद ऐसा का ऐसा, तो आपको प्रवचन सार देखना पड़ेगा। अमृत चंद्राचार्य तो प्रवचन सार के भी ज्ञाता थे, अमृत चंद्राचार्य तो समय सार के भी ज्ञाता थे, समय सार और प्रवचन सार जैसे ग्रंथों के
यदि कोई मर्मज्ञ इस विश्व में इस धरातल पर कोई दूसरे हैं कुंद कुंदाचार्य के अतिरिक्त तो उनका नाम है अमृत चंद्राचार्य। बोलो अमृत चंद्राचार्य। सेकंड नंबर पर यदि कोई समय सार के मर्मज्ञ है तो, प्रवचन सार के मर्मज्ञ है तो, कुंद कुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके यदि कोई दिगंबर संत यदि बात करते हैं उनका नाम है अमृत चंद्राचार्य देव। ये गहराई है, कहां बैठ करके बात कर रहे हैं। हिंसा अहिंसा का क्या प्रकरण लिख दिया है भाई साहब, ये स्वयं का चिंतन है अमृत चंद्राचार्य देव का, स्वयं का चिंतन है। इतने भंग बतलाएंगे अभी, इतनी चर्चाएं करेंगे, आप सोचेंगे यार क्या हिंसा अहिंसा की चर्चा की। देखो जरा टीका, देखो टीका। रागादीनाम वश प्रवृत्तायाम व्युत्थानावस्थायाम जीव है म्रियताम वा माम्रियताम हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती, हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती, धावती दौड़ती है, ध्रुवम लगातार दौड़ती है, हिंसा दौड़े जा रही है, हिंसा दौड़े जा रही है। देखिए रागादि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया में जीव मरे अथवा न मरे, क्या ये क्या कह रहे हैं, रागादि से युक्त है, प्रमादी व्यक्ति है। आपको मालूम है हमारे मुनिराज इतने अप्रमादी होते हैं कि रात्रि में एक करवट से कुछ देर के लिए सोते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।